देख सकते हो हमने यहाँ पे ड्राइंग कर लिया है। ये तो देख सकते हो बुलेट कार्ड्स, तो काउ जो है एक कार है। तो देख सकते हो यहाँ अपने आउटलाइन टा लिया है टू पेंसिल से, और यहाँ पे एक मशीन टाइप से इस तरह से राउंड बनाया है क्योंकि यहाँ पे कलर करेंगे तो कलर ऊपर नहीं जाए इसलिए। और देख सकते हो पहले हम इजी सा एक आउटलाइन कर लो, एक बहुत बड़ा कैनवास है तो इसे हम ऑयल पेंटिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसा हुआ। और इसके लिए ऑयल पेंटिंग करने के लिए हमें चाहिए, देख सकते हो हमने यहाँ पे लिंसिड डिस्टेम्पर लिखा हुआ है जो टर्पेंटाइन ऑयल, इसे ब्रश को क्लीन करेंगे। और ये वाला ऑयल जो है देख सकते हो लिंसिड ऑयल, इससे हम कलर को मिक्स करेंगे। ये वाला हमारे पास आर्टिस्ट ऑयल कलर है तो इस ऑयल कलर से हम करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो ये वही इस रूल से हमने आउटलाइन किया और ब्रशेस कुछ है तो ये वाले ही सारे ब्रशेस हम यूज़ करेंगे ऑयल पेंटिंग पे। और इसे क्लॉथ बस और मिक्सिंग और प्लेट वगैरह चाहिए इस तरह के कलर को लेने के लिए। और एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे हमने रखा है इस तरह की जो एक प्लेट, मार्बल प्लेट, ये जो टाइल्स का प्लेट हमने मिक्सिंग के लिए यूज़ करता हूँ और ऐसे ही। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको करके ऑयल पेंटिंग, तो चलिए देखिए। यहाँ पे जो हमने कैनवास यूज़ किया है, कैनवास रोल 24 इंचेस का मिलता है, 24 इंचेस और 5 मीटर की इसकी लेंथ होते हैं। और इसकी जो प्राइस होते हैं 825 रुपीज़ होते हैं। और इसकी जो मैं एक्चुअल जो हम ड्राइंग कर रहा हूँ उसकी जो लेंथ है मैंने थोड़ा सा कट किया था, तो अगर सेमी में बात करें तो 43 सेमी जो वर्टिकल में मिलते हैं क्या, और हॉरिजॉन्टली करी वो 70 सेमी का है। तो इतना बड़ा इमेजेस हम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो चलिए देखिए वीडियो उसको। हमने यहाँ पे जो भी ड्राइंग मटेरियल यूज़ किया है तो अमेजोन की लिंक हमने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाके आप चेक कर सकते हो। तो अमेजोन की बाय लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी मैंने ड्राइंग मटेरियल यूज़ किया सब जो है ऑनलाइन पे ही अवेलेबल है। हमने जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया सब ऑनलाइन से ही मंगाता हूँ, तो जाके आप ये लिंक जो चेक कर सकते हो मैंने जो भी ड्राइंग मटेरियल यूज़ किया है। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, और आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो उसको लाइक करिए। तो देखिए इस तरह से आपको क्लॉथ से मुझ लेना है तो कलर जो है क्लीन हो जाता है। तो एक बार देख लेता हूँ, देख सकते हो एक क्लीन हो गया है, देख सकते हो और कलर नहीं निकल रहे। तो
तो यहाँ पे कलर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा आपको जो है ये वाला ब्रशेज जैसे क्लीन करना है, यहाँ से थोड़ा सा डिप किया उसके बाद थोड़ा क्लॉथ में उसे मुछना है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह से अगर गोलोगे ना तो कलर जो है टर्पेंटाइन ऑयल पे चला जाए, तो ऐसा नहीं, टर्पेंटाइन ऑयल पे कलर नहीं पड़ना चाहिए। कलर को थोड़ा सा इस तरह से डुबाया उसके बाद क्लॉथ में इस तरह से आपको मुछ लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह से आपको कर लेना है, डिप किया और ये क्लॉथ में हो गया। इस तरह से आपको ब्रश को क्लीन करना है। देख सकते हो इस तरह की ऑयल पेंटिंग को सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो 2 से 3 डेज तक हम इसे जो है ड्राई होने देंगे, तो मैक्सिमम 2 डेज से लग जाएगा इसे सूखने में, मैंने देखा है। तो ऑयल पेंटिंग को इसे सूखने के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं, अगर अच्छी तरह से ड्राई होगा फिर हम ड्राइंग करेंगे तो उससे क्या होगा पिक्चर्स में कैरियर अच्छा होगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे और नेक्स्ट संडे हम इसकी जो है पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो को हम पॉज करते हैं और इस वीडियो को हम नेक्स्ट कंटिन्यू जो सेकेंड पार्ट है वो आप नेक्स्ट संडे देख लेना।